इससे पहले मेरी बहन डॉक्टर सुरेता बोलेगी। मैं मेरी बहन ने जो कहा हाईएस्ट रिस्पेक्ट जो है वो वर्किंग लेडी। मैं समझता हूँ कि हमने देखा है कि कैसे बच्चे को पाल के सब कुछ घर का काम काज देख रही बहन कैसे बाहर निकलती है। तो हाईएस्ट सल्यूट एंड रिस्पेक्ट टू ऑल माई सिस्टर्स, सारी मेरी बहनों को मेरा सल्यूट है। लेकिन गवर्नमेंट को ये बात नज़र नहीं आ रही कि वो कैसे मूव करेगी। आपने 33% जब दिया तो उनके साथ राइट ऑफ इक्वालिटी में ये क्यों बाहर कर दिया। आप डिप्टी कमिश्नर जो लेडी है उसको पूरा प्रोटोकॉल है, लेकिन मेरी बहन को क्यों नहीं दे रहा। वो ठीक सवाल किया मेरी बहन ने, और रात को घर कैसे आएगी, लेट हो जाएगी, उसके साथ क्यों ये जाती होगी। अगर 33% करना है और अगर ऊपर से प्राइम मिनिस्टर देने को तैयार है, होम मिनिस्टर देने को तैयार है, लेकिन रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन देने को तैयार नहीं। मैं आज से 5 दिन पहले गवर्नर साहब को मिला, कुछ मांगे थी, जब मैं उनको दी तो उन्होंने ये कहा ये तो आप खुद करने वाले हो। तो जब आज कल ऑर्डर देखा तो मैंने कहा ये खुद क्या, ये तो कोई हम तो खुद बनते हैं। तो ये मैं अपनी बहन सुरेता, डॉक्टर सुरेता, सबसे पहले जब ये इलेक्शन करवाया था DDC का कि फर्स्ट टाइम हमारे JNK में होने जा रहे हैं, तब हमसे क्या वादा किया था कि हाँ इतनी सैलरी होगी, ये पावर होगी, ये होगी। लेकिन आज हमारा लेवल तो 4th क्लास के बराबर भी नहीं रहा, स्पेशली DDC मेंबर का क्या रखा हमारा सैलरी 15,000 और इक्विवेलेंट टू BDC। अगर जो भी है मतलब DEA जो भी डाल के है, लेकिन फायदा क्या, उसका बेनिफिट क्या हम लोगों को, इससे अच्छा ये इलेक्शन ही नहीं करवाते, ये थ्री टायर सिस्टम ही नहीं अपनाते। अगर हमें रखना है आओ सर, जी सर क्या आज जो आप प्रोटेस्ट किया क्या कारण है? इसमें तो मेन हमारा यही मुद्दा था कि जो ठाकुर रामेश्वर सिंह, मैं डांगरी से डिस्ट्रिक्ट जोरी से DDC हूँ, डांगरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और लोगों ने हम पे बड़ा एतमाद किया, हमें 40,000 वोट था जहाँ से मैं लड़ा, और लोगों ने अच्छी खासी अक्सरियत से मुझे जिताया वहाँ से, और लोगों की बहुत बहुत हमारे ऊपर एहसान थे। हमने लोगों से काम काज के वायदे किए थे, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं।
ये तो हमारे साथ धोखा और फ्रॉड हुआ। पहले तो कोई भी इलेक्शन हमारी स्टेट में जो होता है वो कम से कम 5 साल के लिए होता है, पहले 6 का होता था, अब जब यूटी बनने के बाद 5 साल। आज हमें पता चला कि हमें 3 साल के लिए ही चुना गया है, सिर्फ 3 साल के लिए। एक तो सबसे बड़ी शेम की ये बात है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पे कि इन्होंने टोटल ही DDCs को तोड़ के रख दिया है अफसरशाही की वजह से। अफसरान चाहते हैं कि जो कोई हम DC चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को कैसे सल्यूट करेंगे, वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे चेयरमैन होगा, उनसे ऊपर होगा, जो हम DDC मेम्बरान हैं, हम DC के बराबर के हैं। इसलिए इन लोगों ने मिलकर ये नई साजिश स्कीम बनाई है। और एक जो सबसे बड़ा इशू जो कि हमारी पावर्स कुछ भी नहीं है, एक BDC जो पहले इलेक्शन हुए, एक GRS भी उनकी बात नहीं सुनता, जहाँ पे धांधलियाँ हो रही हैं, चोरी चकारियाँ हो रही हैं, और अफसर दफ्तरों में खासकर छोटे दफ्तर BDO ब्लॉक से लेकर तहसील ब्लॉक से लेकर DC ऑफिस तक हर जगह पैसा और उसके बगैर कोई काम नहीं किया जा रहा है। और इसलिए हमें दबाया जा रहा है कि हमने पहली आवाज़ यही उठाई थी कि हम रिश्वत ना खाएंगे और ना खाने देंगे। और बाकी रही बात सैलरीज की, हमारे लोगों ने ये भी इशू उठाया, लेकिन मैंने जब इलेक्शन वहाँ से लड़ा था तो मैंने अपने आवाम से वायदा किया था कि जो मुझे सैलरी मिलेगी मैं गरीब BDOs को बांट दूंगा। लेकिन आज यहाँ पे पता चला कि उनने सिर्फ 15,000 रुपये वो सैलरी रखी है, जो कि एक SPO की भी 18,000 है शायद, फोर्थ क्लास से नीचे हमें डेली वेजर बना के रख दिया है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोग जितने भी 280 मेंबरान हैं हम अपना रिजाइन देंगे और अलाइनमेंट शो करेंगे कि हमें बराबर का प्रोटोकॉल और बराबर की पावर्स और बराबर की गाड़ियाँ और PSO दिए जाएँ। 2 महीने हो गए हमें जीते हुए, हमें हमारे पास कोई PSO नहीं है, कोई कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, खाली लारा लपा लगा के और हमें छोड़ दिया। मैम आपका नाम? मेरा नाम है नाजिया गनी। कहाँ से? मैं DDC, मैं इलेक्टेड DDC मेंबर नंगली पुंछ से हूँ। हम अपने राइट के अगेंस्ट, अपनी डिग्निटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने राइट के ही अगेंस्ट नहीं बोल पाएंगे तो हम अपने पब्लिक के फेवर में कैसे कुछ कर पाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी हमें कि हमें ये पोर्टफोलियो मिलेगा, हमें ये वाली पावर्स मिलेंगी। आप देख सकते हो कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन तो सुन ही नहीं रही है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, या तो मास रेजिग्नेशन देंगे, अदरवाइज़ इनको ये जो इन्होंने कल रात को निकाला है इनको रिवोक करना ही चाहिए। और हम इसी पे प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि जब तक हम खुद को जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हम अपनी पब्लिक को भी पब्लिक के राइट्स उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। थैंक यू सो मच। आप अपने घर के दुश्मन हैं या अपने घर के वासी हैं?